नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम के बारे में, जानेंगे यानी 25 जुलाई तक राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां होगी आज दोपहर के समय 22 जुलाई के दौरान, किन किन आज रात जगहों पर बारिश की गतिविधियां होगी, राजस्थान के सभी 50 जिलों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यानी आज 22 जुलाई में कई जगहों के लिए भारी से अति भारी बारिश दर्ज होगी। हालांकि 25 जुलाई तक राजस्थान के सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होगा आज से। यानी बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन का क्षेत्र आज कमजोर होकर एक कम दबाव वेल मार्क सिस्टम में परिवर्तन हो गया वर्तमान में है, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ आसपास के क्षेत्रों पर ऊपर बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ लाइन भी आज सामान्य से दक्षिणी स्थिति में है, यानी जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही। इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों पर आगामी दिनों में अच्छी झमाझम मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां 22 जुलाई से बारिश गतिविधियां आज बढ़ जाएगी। हालांकि कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में कई कई स्थानों पर भारी बारिश तो कई स्थानों पर अति भारी बारिश 23 जुलाई को एक दो स्थानों पर दर्ज होने की संभावना है। हालांकि उस दौरान शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर यानी कहीं न कहीं इन संभागों की बात करें तो आगामी दिनों में मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होगी। यहां पर भी कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। हालांकि आपको बता दें, आज 22 जुलाई के दौरान अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, सवाई माधोपुर आसपास के करौली, नसीराबाद के बेल्ट यहाँ भारी बारिश दर्ज होगी। वहीं अलवर में हल्की बारिश तो बांसवाड़ा में भी भारी बारिश, बारा में भी भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। और भरतपुर आसपास के क्षेत्रों की बेल्ट की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां भीलवाड़ा, शाहपुरा यहाँ इन जगहों के लिए भारी बारिश तो बूंदी में भी भारी बारिश, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मांडलगढ़ आसपास के बेल्ट में भारी बारिश की गतिविधियां होगी। और दौसा, जयपुर के इलाकों पर हल्की बारिश, धौलपुर में भी हल्की बारिश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां। वहीं जयपुर में भी भारी बारिश, आसपास के क्षेत्रों में सीकर, जयपुर में शाम होते होते दोपहर तक भारी बारिश का रूप भी होगा। और झालावाड़ में भारी बारिश, झुंझुनू में हल्की बारिश की गतिविधियां, करौली में भी हल्की बारिश की गतिविधियां। वहीं कोटा संभाग के इलाके प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाई माधोपुर, सीकर तक आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश, सिरोही, टोंक में भारी बारिश तो सीकर में हल्की मध्यम तेज बारिश होने की संभावना, टोंक में भी भारी बारिश। वहीं उदयपुर, बाड़ यानी कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में भारी बारिश तो बाड़मेर में हल्की और चूरू में भी हल्की, बीकानेर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया। खंड बारिश वाली गतिविधियां रहेगी। इसी दौरान कई 23 जुलाई के आसपास भी लगातार है, जो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर में अति भारी बारिश होगी। झालावाड़, झुंझुनू और करौली, कोटा में अति भारी बारिश की दर्ज होगी। प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर में भी, सिरोही में अति भारी से बहुत भारी बारिश, टोंक, उदयपुर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर वहीं बीकानेर में तेज हवाओं के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश, भारी बारिश वाला मौसम रहेगा। और 24 जुलाई के दौरान भी अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद इलाके, सवाई माधोपुर में भारी बारिश, सिरोही, सीकर, टोंक, उदयपुर और चूरू के आसपास के, नागौर आसपास के क्षेत्र है यह भारी बारिश वाला मौसम। तो कुछ बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों पर भी एकाध जगहों के लिए तेज मूसलाधार बारिश तो कई इलाकों के लिए विभिन्न जिलों में खंड बारिश का भी दौर रहेगा। वहीं 25 जुलाई के दौरान भी अजमेर, अलवर, बारा, बांसवाड़ा और भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़ में भी भारी बारिश वाला मौसम। झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर में हल्की बारिश तो कई स्थानों पर भारी बारिश, सिरोही, टोंक में भारी बारिश, उदयपुर में भारी बारिश। वहीं
चुरू, बाड़मेर, बीकानेर में तेजों के साथ हल्की तो इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना। राजस्थान मौसम अपडेट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।